कितने दिन की हो गई है और इसमें क्या क्या रोग आ रहा है उसका सोल्यूशन? ये लहसुन जो आप देख रहे हैं ये रियावन वाली वेराइटी वाली किस्म है। आप जो फसल देख रहे हैं ये 6 नवंबर को हमने लगाई थी और आज ये लगभग 2.5 महीने की हो चुकी है और करीब 4 से 5 सिंचाई इसमें दे दी गई है। हम किसानों को एक बात बोलना चाहेंगे आज आपके वीडियो के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि हमारी मूलतः पूरे विश्व लेवल पर 3 भाषाएं होती है। एक तो हम जो बोल रहे हैं ये शब्द, और दूसरी होती है फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज। हमारी फसलें कोई शब्द के रूप में हमसे बात नहीं करती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका फेस रीडिंग जो होता है वो हमें अवगत कराता है कि उसको क्या चाहिए। जैसे ये पत्ते पे ऊपर का भाग जो पीला पड़ रहा है तो इसको कौन से तत्व की कमी है, यदि ये मोटा नहीं हो रहा है, इनमें हरापन नहीं आ रहा है, पीलापन आ रहा है, तो इसमें कौन से तत्व की 16 सूक्ष्म तत्व जब तक फसल को नहीं मिलेंगे तब तक वो हरा भरा पौधा नहीं हो सकता है। जैसे हमारा जो सामान्यतः हम मनुष्य है, हमारा जो भोजन की थाली होती है उसमें सब्जी और रोटी दो मूल चीज़ें होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी नमक भी होती है, चटनी भी होती है, अचार भी होता है, मिठाई भी होती है, तो उनकी मात्राएँ कम कम होती है। तो इसके अंदर जमीन और पानी और ये तो मूल है। अब इसके बाद जो करीब 14 सूक्ष्म तत्व और जो बचते हैं हमारे वो कम कम मात्रा में डलते हैं। यदि हमारी थाली के अंदर भोजन में यदि नमक चिमटी भर डलता है और हम मुट्ठा भर के डाल दें तो फिर क्या स्थिति बनेगी, वो खाने योग्य नहीं रहेगा। तो ये हमारी जो फसलें होती है ये भी लोग क्या करते हैं कि अच्छा उत्पादन लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हाई डोज दे देते हैं। तो जैसे पानी पीने से आदमी ज़िंदा रहता है, पानी में डूबने से तो नहीं रहेगा। तो फसलें कभी कभी किसानों की इसलिए ख़राब हो गई कि उन्होंने सब कुछ दिया लेकिन ज़्यादा मात्रा में देने की वजह से वो फसल उस भोजन को नहीं ले पा रही। जैसे हमें भूख लग रही और हमें कोई आकर के ने कहे कि लो ये गेहूं की कटोरी भर के इन सामने लंबी कर दे कि खाओ साहब भूख लग रही, तो हम उसको नहीं खा सकते, लेकिन उसी गेहूं का हलवा बना के ला के दे दे तो हम बढ़िया खाएंगे, पूरा पूरा पोषण मिलेगा। तो इन फसलों में जो खाद दिया जा रहा है उसकी भी एक प्रोसेस होती है। आप गेहूं की कटोरी के रूप में दे रहे हो कि हलवे के रूप में दे रहे हो, वो हमारा जितना भी जैसे वर्मी कंपोस्ट है तो केंचुए द्वारा जो निर्मित खाद होता है वो हलवे की कटोरी की तरह ही होता है, जो सीधा ग्रहण करता है हमारा पौधा। जैसे रासायनिक खाद भी होते हैं तो वो भी सीधा ग्रहण करता है, पर उनकी प्रोसेस होती है कि वो कैसे पौधे को देना है ताकि वो सीधा ग्रहण करके एक अच्छी ग्रोथ ले सके। तो किसानों को हम यही कहेंगे कि अच्छा उत्पादन लेने के चक्कर में जो हमारी ज़मीन के अंदर कुछ तत्व हमारी ज़मीन में भी मौजूद है और वही वाले तत्व हम रेगुलर और ज़्यादा ज़्यादा डालते जा रहे हैं तो वो ओवर डोज हो जाता है, तो वो फिर फसल लेने के बजाय वो अच्छी चलने के बजाय वो सूखने लग जाती है, ख़राब होने लग जाती है। हम सोचते हैं कि साहब दूसरे किसानों की अच्छी फसलें हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही है। हमारे साथ में ये उमाशंकर जी खड़े हैं और ये कृषि दवाइयों, ये इनका जो तिरुपति कृषि बाज़ार के नाम से इनकी फर्म है और हम इनसे दवाइयाँ लेते हैं और ये बहुत ब्रांडेड दवाइयाँ रखते हैं और ये हमेशा किसानों को मार्गदर्शन भी करते हैं कि आप पहले अपने खेत की फसल को समझ लो कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि आप जो मांगोगे ये दे देंगे लेकिन आपकी खेत को क्या चाहिए, आपके पड़ोसी ने क्या डाला वो मत सोचिए, आप आपकी फसल को क्या चाहिए उसकी फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज को समझ करके आपको फसल में डालना है, तब जा करके हम बृहद उत्पादन ले पाएंगे, ज्यामिति उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि गुणात्मक हम दूसरे किसानों से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, तभी हम लाभकारी खेती कर सकेंगे। बाकी तो हमारे पिताजी भी करता है, हमारे तो बाप दादा भी करता है और हम कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाए। आज किसान का बेटा आज भी किसान है, वही कच्चे मकान में रह रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल एक तरह से जानवरों की तरह है। हमारे पास पैसा होगा अर्थ बिना सब व्यर्थ है। जिस किसान के पास पैसा है उसका जीवन भी सुधर गया, उसका लाइफ स्टाइल भी सुधर गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे किसान सब खुशहाल बने, सब संपन्न हो, सब 4-व्हीलर में घूमें और तिरुपति बालाजी की कृपा से हम सब लोग अच्छी खेती कर रहे हैं। हमारे सब किसान साथियों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी दवाई लाओ पर ब्रांडेड कंपनियों की दवाई लाओ, क्योंकि लोकल नाम जो भी होते हैं उनके अंदर कोई गुणवत्ता होती नहीं है, वो सिर्फ मुनाफे वाली दवाइयाँ होती है। मेरा सिर्फ इतना बताना है कि टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे अपन कि इस प्रकार की जो बीमारी आती है इसे पल्पर ब्लास्ट की बीमारी बोली जाती है। जो ये ऊपर की जो इसका फर्स्ट पार्ट जब जो पीला हो रहा है प्रोपोलिस, इसमें प्रोपिनेप करके एक टेक्निकल आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है और बाहर का एंट्राकाल ले सकते हैं अपन इसमें। और दूसरा कि किसान खेती कर रहा है, किसानों को खेती के माध्यम से, जैसे कोई 10 बीघे की लहसुन बो रहा है वो उसके माध्यम से बोए, उसके अगर खेती का रकबा हो लेकिन बराबर डिस्टेंस पर बोएगा, क्योंकि विगत वर्ष अपन ने देखा कि मंडी में जो रेट मिले हैं वो सिर्फ साइज वाली लहसुन के ही मिले हैं, चाहे वो देसी में साइज बनी हो, रियावन में बनी हो, ऊँटी में बनी हो। तो एक डिस्टेंस पर लहसुन बोकर जो पैदा की जाएगी तो उसमें आपकी खाद की मात्रा की पर्याप्तता उस लहसुन तक पहुंच पाएगी
और सिस्टमेटिक खेती, अधिकतर क्या है कि पिलासपन आ गया खेत में और फिर अपन स्प्रे करते हैं। तो मानना है कि डायरी मेंटेन की जाती है, जिस प्रकार अपन कोई कार्यक्रम करते हैं तो लिस्ट मेंटेन करके करते हैं, जिस प्रकार कोई प्रोग्राम को इवेंट मैनेजमेंट करते तो एक लिस्ट बनाकर एक डायरी मेंटेन करके, उसी प्रकार अपने खेती को भी अपना व्यवसाय बनाकर उसे एक डायरी मेंटेन कर कर किया जाएगा तो किसान खेती को अपना फायदे की बिजनेस बना सकता है। किसान को खेती को अपने बिजनेस के साथ जोड़ना है, किसान नहीं मेरा मेरी खेती मेरा व्यापार, इस बात को सोचकर काम करना होगा। अब उसमें अपन ने किस तारीख को उस डायरी में नोट कर लेगी हमने इस तारीख को इस प्रकार का खाद डालकर ये फसल बोई है, उसी प्रकार हर 15-20 दिन में जिस प्रकार बीमारी का अटैक, क्योंकि आजकल सब हाईटेक जमाना हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, क्लाइमेट 3 दिन बाद क्या रहने वाला है ये मोबाइल बता देता है। अपन यूट्यूब पर दूसरी चीज़ें रील्स वगैरह ना देखते हुए अपनी खेती जिस व्यापार से अपन जुड़े हुए हैं उस चीज़ को देखकर बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। जैसे कि आपको कोहरा आने वाला है कि 3 दिन पहले बता सकता था, 2-3 दिन पहले ठंड बढ़ने लगी, क्लाइमेट ख़राब हो रहा है, तो उसका प्री एक्सप्रे हो जाएगा किसी भी ब्रांडेड चीज़ का कि ये स्प्रे डाउनी, जैसे कभी डाउनी मिल्टी जिसे हम कालीमसी गांव में अधिकतर बोलते हैं, जिसमें मेटालिक्जी मेनकोजेप है, बायर की मेलोडी हुई, प्रोफाइलर हुआ, इनप्रिंट हुआ, इन जैसे प्रोडक्ट का उपयोग करके आप अपनी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। मैं किसान भाइयों को एक बात और बोलना चाहूँगा कि किसान अक्सर करके करता खेत में पैसा तो सब किसान लगा रहे हैं लेकिन उत्पादन कुछ किसान ले पा रहे हैं। तो एक बार हमारे राज्यपाल महोदय बलराम जी जाखड़ साहब मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और कृषि महाविद्यालय मंदसौर में वो लोकार्पण करने के लिए आए थे, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान उपस्थित थे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था वहाँ कि किसान ये बताए कि उसकी खेत की सबसे बढ़िया खाद कौन सी है। तो हर किसान ने अलग अलग, किसी ने यूरिया बता दिया, किसी ने DAP बता दिया, किसी ने पोटाश बता दिया, किसी ने गोबर की खाद बता दी, लेकिन वो सारे प्रश्न उन्होंने गलत साबित कर दिए। उन्होंने कहा कि खेत में फसल के लिए सबसे बेस्ट और उपयुक्त तो जो खाद होती है वो किसान के पैरों की धूल होती है। मतलब इसका ये था कि किसान जितनी बार खेत पर जाएगा और जब फसल को बारीकियों से देखेगा तो उसकी जो प्राइमरी स्टेप होती है बीमारियों की, उसी समय यदि वो पकड़ लेगा और तत्काल यदि दवाइयों का, खाद का, सिंचाई का यदि प्रबंधन कर देगा तो वो उत्पादन अच्छा ले सकता है। और किसान को लगातार खेत पर जाना चाहिए, भले ही फसल उससे बात नहीं करती है पर उसको देख करके खुश होती है वो, और हमारे ये जीवित पौधे हैं। किसान यदि बार बार खेत पर आता है तो पौधे लहलहाते हुए नज़र आते हैं, खुश अपनी खुशियां प्रकट करते हुए नज़र आते हैं। किसान को अपने खेत पर रेगुलर जाना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों को समझ करके उन आवश्यकताओं को पूरी करना चाहिए, उत्पादन तो उसको ज़रूर मिलता है। धन्यवाद।